डायबिटीज आजकल बेहद आम बात हो गए हैं। डायबिटीज पेशेंट हर घर में पाए जाते हैं। भारत से दुनिया भर में करोड़ों डायबिटीज पेशेंट्स पाया जाता है। आज का टॉपिक में कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, क्या डायबिटीज पेशेंट्स फ्रूट खा सकते हैं, और डायबिटीज पेशेंट्स कब फ्रूट खा सकते हैं, और कैसे खाना चाहिए, और कौन सा फ्रूट खा सकते हैं। वीडियो के द्वारा आप सबको एक मैसेज देना चाहूँगी कि आप सबको नया साल 2023 मुबारक। हेल्दी फिट ऑफिशियल चैनल पे नया सीरीज आने वाला है, जो है डायबिटीज टॉपिक के ऊपर ए टू जेड कवर करेंगे। आइए इस वीडियो को जल्दी से जान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्या डायबिटीज पेशेंट फ्रूट खा सकता है? इसका आंसर है यस, हाँ फ्रूट खा सकता है। फ्रूट में बहुत विटामिन होते हैं और एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करता है। क्वेश्चन नंबर 2, डायबिटीज पेशेंट्स को फ्रूट कैसे और कब खाना चाहिए? डायबिटीज पेशेंट को कोई भी मेजर मील लेने के 2 घंटे बाद फ्रूट खा सकते हैं। फ्रूट का क्वांटिटी रहेगा 70 to 100 ग्राम होना चाहिए। फ्रूट को होल खाना चाहिए, विथ फाइबर के साथ खाना चाहिए। फ्रूट खाने समय एक बार में एक फ्रूट खाना चाहिए और दिन में 3 बार यानी कि टोटल 3 फ्रूट्स खा सकते हैं। डायबिटीज पेशेंट कौन सा फ्रूट खा सकते हैं? जिस फ्रूट में लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो फ्रूट खा सकता है, जैसे कि पपाया, एप्पल, ऑरेंज, कीवी, मौसम्बी, नाशपति, बेरीज, प्लम, अमरूद, ये सब डायबिटीज पेशेंट खा सकता है। तो ये रही छोटा सा इन्फॉर्मेशन। अगर आपको भी डायबिटीज है तो इस बात का ध्यान रखिएगा और डॉक्टर की सलाह जरूर ले। आशा करता हूँ ये वीडियो आप सबको हेल्प करेगा। तो इसी तरह हेल्थ से जुड़ी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, ताकि सबको यह जानकारी मिल सके।